अमृता, लगता है अब तो सच सच बताना पड़ेगा। अमृता बेबे, चल पुत्र। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? बेबे, मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया गया क्यों? पर कुकी को कैसे पता चला कि लड़की हुई है? लगता है अब पापा जी को सच बताना ही पड़ेगा। मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से? जी, हम बस आपको बताने ही वाले थे। तो फिर बताया क्यों नहीं? ये शमशेरी आया था। क्या किया उसने और उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना कुछ करने के बाद इस घर में कदम रखने की? बोलते क्यों नहीं? ओए मर जाने कुगी, तूने पूरी गल क्यों नहीं बताई? उसके बाद भी उसने कुछ किया? बताओ मुझे क्या किया उसने? उसने नहीं, तुम्हारी बहू ने किया था। क्या? हाँ, इसने उसकी इतनी बेइज्जती की कि उसे समझ ही नहीं आया कि आसमान को देखे कि जमीन को देखे। फिर क्या, चुप छाप चला गया यहाँ से। होए पुत्र, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। हाँ, वाह, शाबाश पुत्र, शाबाश। बस इस तरह से ही जिंदगी में हिम्मत से जीना, आगे बढ़ना। पर पुत्र, मैनू माफ कर दे, मैं इतनी जोर से तेरे पर चिल्लाया, माफ कर दे मुझे। नहीं नहीं पापा जी, कोई बात नहीं। मुझे मालूम होना चाहिए था कि मेरी पुत्र मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अब तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो खाना लगाओ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाँ बढ़िया सा खाना खाएंगे भैया। अरे लाओ भी लाओ, मेरे छोटे रविंद्र को लाओ, उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा मैं। जाओ भैया, ओ शन्नू लेके आ भी जा। चौधरी, वो तो दूध पी के सो गया है, अब तू भी खाना खा के जाके सो जा। बेबे, इतनी जल्दी सुला दिया उसको, जगाओ उसको। ओए बच्चा है वो, अब तू बच्चा ना बन, बैठ जा, मैं खाना लेके आती हूँ। ओ चल कुकी लगा, खाना लगा। आओ जी, बैठो 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 बैठो। आ सुनो, बैठ बैठ मतलब बैठ। आओ जी बैठो जी, आप भी बैठो। बस बस बस। अच्छा पुरा जी, अब मैं चलता हूँ। चले जाना, पहले बैठी तो सही, चाय वाह पी के जाइए। और पुत्र, वो बना चाय भाई। बीच बीच में आते रहिएगा, और हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफी देना। ये लीजिए फूफा जी। फूफा जी, आप कुछ और दिन रुक जाते? हाँ दलजीत पुत्र, चौधरी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए फिर चले जाना। हाँ फूफड़ जी, आप रुक जाए तो मैं भी रुक जाता हूँ। क्यों भाई, खुद दे पुत्र, तुझे कहाँ जाना है? बस यही नुक्कड़ तक, टमाटर लाने। दलीप जी,
आप कुछ दिन और रुक जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ठीक है पराजी, जैसा आप कहें। पापा मैं रविंदर के पास जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ। पापा जी मैं एक मिनट आती हूँ। सिमरन हम तीनों खेलेंगे ना, मुझे लेने दो। आ जाओ मम्मा के पास। क्या कर रहा था मेरा बच्चू? अरे इसे तो बुखार है। ओए कोगी ये बर्तन ले जा। बेबी बेबी देखो ना रावी। देखो ना रविंदर को कितना तेज बुखार है। देखूं? हाँ, इसे तो सचमुच बुखार है। कल तूने ठीक ही कहा था। दिखा इधर। इसे तो बहुत तेज बुखार है। कुकी पापा जी और जसवीर को बोल गाड़ी निकाले, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। पापा जी पर जसवीर प्राजी तो अब तक आए नहीं है। और तू गाड़ी की चाबी लेके आ, मैं लेके जाऊंगा। नहीं नहीं पापा जी, मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। दलजीत फूफा जी आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना, उनसे कहिए कि हमारी रविंदर को बहुत तेज बुखार है, वो जल्दी से घर पर आ जाए। मैं करता हूँ। ओ इसको चुप करो। ओ इस ओ बेबे इस छेती करो छेती। प्राजी फोन नहीं लग रहा। दोबारा मिला के देखो। ओ कुकी ओए इधर आ, खोते थे पुत्र। ओ चावला डॉक्टर के पास जाओ, बुला के लाओ उसे। ओ जल्दी कर। लखे एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, और इस बार काम सफाई से होना चाहिए, और वो भी फौरन। आई क्या बात समझ में? रख। डॉक्टर साहब कोई घबराने वाली बात तो नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं।